हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग बाय सीमा चैनल। और जैसा आपको पता है कि अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, अगर आप फ्लावर के शौकीन हैं तो ज़रूर से अपने जो बीज हैं उनको बोना शुरू कर दीजिए। तब हमारे 2-3 महीने में वो तैयार हो जाएंगे और उनमें फूल आने लगेंगे। लेकिन आज का जो बेसिक प्लांट नॉलेज है वो क्या है हमारा, उसके अंदर आप जब भी किसी भी तरीके के प्लांट्स के लिए बीज से अगर तैयार करते हैं तो पहले उसको अगर थोड़ा पानी में भिगो के और फिर उसके बाद में सोक करने के बाद में अगर उसको लगाएंगे तो आपका जो है सक्सेस रेट अच्छी होगी और जर्मिनेशन अच्छा होगा। तो चलिए, आज हम किस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। ऑब्वियस है कि अभी फ्लावरिंग प्लांट की मैंने बात करी है, तो अभी हम फ्लावरिंग प्लांट के ही बारे में बात करने वाले हैं। ये जो एक प्लांट है बहुत ही सुंदर पौधा है। मुझे तो ऐसे प्लांट्स बहुत पसंद है जिसके पूरे टाइम फूल आते रहें और ऐसा ना हो कि सीज़न में आते हैं फिर चले जाते हैं। इस वाले प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें पूरे टाइम आपके फ्लावरिंग रहती है, इजी मेंटेन है और बटरफ्लाइज भी उसको देख के अट्रैक्ट होती है। तो आपके घर में छोटे अगर बच्चे हैं तो उनको भी वो पसंद आएगा पौधा बहुत ज़्यादा और उनसे प्यार हो जाएगा। उनके कलर इतने सुंदर होते हैं, तो आपको इतने सारे मैंने अट्रैक्टिव चीज़ें इस पौधे के बारे में बताई है, तो मेरे हिसाब से आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो पौधा कौन सा है। तो चलिए जानते हैं उस पौधे के बारे में। रोयला सिंप्लेक्स के नाम से जाने जाने वाला ये प्लांट मैक्सिको और साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है और इसे हम मैक्सिकन पिटूनिया, मैक्सिकन ब्लू बेल और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। लेकिन ये जो हमारा पिटूनिया का जो एक प्लांट आता है वो नहीं है, ये एक अलग प्रजाति का प्लांट है। अगर मैं बात करूं बारिश की, तो सिर्फ एक बारिश को छोड़ के बाकी सारे सीज़न ऐसे हैं जिसके अंदर आपके इस प्लांट के अंदर हमेशा फूल आते रहेंगे। एक फूल जाएगा, दूसरा फूल आएगा, तो हर समय इसके अंदर आपको फूल दिखते रहेंगे। ये एक इतना सुंदर प्लांट है, ये इतना हार्डी प्लांट है, किसी विशेष तरीके की सॉइल की भी इसको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके का जो नॉर्मल आपका पॉटिंग मिक्स है उस तरीके से आप इसको इस प्लांट को उसमें लगा सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार जब लगाते हैं तो अगर 3 महीने 4 महीने में भी अगर इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो भी इस प्लांट के लिए बहुत रहेगा। और अगर थोड़ा पॉट में है तो फिर थोड़ा सा आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नीचे अगर ये ग्राउंड पे लगा रहता है तो अपने आप ही न्यूट्रिशंस खींचता रहता है, बिना उसके भी ये आराम से हमारा सर्वाइव करता है। इसमें किसी भी तरीके का जो है इंसेक्ट का हमला वैसे यूजली होता नहीं है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजीली सर्वाइव करता है। लेकिन फिर भी अगर आपके किसी भी तरीके से इसमें अगर माइट्स हो गए हैं और जो आपके इसमें चींटियां हो गई हैं तो आप नॉर्मल जो हमारे घर के जो देसी इलाज है, लाइक आप हल्दी डाल सकते हो, आप इसके अंदर जो मिर्च का, नीम का जो स्प्रे हमारा रहता है शैम्पू के साथ, वो सब डालेंगे, छिड़काव करेंगे तो आसानी से वो सब मर जाएंगे। जहाँ गर्मियों में भी पौधों को सर्वाइव करने की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर इस पौधे का खास बात यह है कि इसको किसी भी तरीके से सर्वाइव करने में प्रॉब्लम नहीं होती है और ये 20 से 30 डिग्री के टेम्परेचर में, कम से कम उतना टेम्परेचर उसको सही है। थोड़ा उसको प्रॉब्लम आती है सर्दियों के अंदर। अगर आपको लगता है कि आपका पौधा किसी भी तरीके से सर्वाइव नहीं कर रहा है तो एक बार उसको सिर्फ धूप में ही रखिए, आपके प्लांट के बारे में पता चल जाएगा कि उसमें क्या तरीके की प्रॉब्लम है। दूसरा, इस पौधे की खास बात ये है कि आपका प्लांट सेमी शेड में सर्वाइव तो करेगा आराम से, लेकिन बस एक प्रॉब्लम ये होती है कि फिर वो ब्लूम नहीं करेगा, फ्लावर्स नहीं आएंगे, तो उसको कम से कम 7-8 घंटे की फुल सनलाइट की उसको ज़रूरत होती है। और ये कितना अच्छा पौधा है कि जो कि हमारा सेल्फ सोइंग से हमारा प्लांट ये ग्रो हो जाता है, फिर प्लस हमारा स्टेम से ग्रो हो जाता है। आप बाज़ार से इसके सीड्स लाके सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं और जैसे ही ये प्लांट अपने आप मल्टीपल होता है, नीचे से उगता है, तो आप इसको अलग से भी रूट डिवीज़न से भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं ईजीली। तो मेक्सिको और साउथ अमेरिका के बहुत सारे पार्ट्स में ये आपको रोड पर ही इजीली मिल जाएगा आपको जगह जगह। और इसकी जो ऊंचाई है वो 3 फिट टॉल तक ये जाता है और मतलब एक
जंगल की तरह ये फैलना शुरू होता है। जब ये फैलता है तो एक जंगल की तरह होता है। तो हम लोग तो बेसिकली यहाँ जो है नर्सरी से इसको लेकर आते हैं और उसके बाद में हम हमारे गमले में इसको लगाते हैं, तो थोड़ा सा एक फ़र्क पड़ जाता है गमले में लगाने में और हम जो ज़मीन में लगाते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल हार्डी प्लांट है, कैसे भी ये इजीली हमारा सरवाइव करता है। इस प्लांट की एक जो ख़राब चीज़ है वो ये है जो मुझे लगती है, सिर्फ इसका फूल एक ही दिन रहता है, सिर्फ एक दिन फूल रहता है, दूसरे दिन वो चला जाएगा, मतलब सुबह उगेगा और फिर वो चला जाएगा, फिर दूसरे दिन वापस उसमें फूल आएंगे। लेकिन फूल जो आते हैं वो इतने ब्राइट कलर के और इतने सुंदर कलर के होते हैं। तो इसमें हमारा वाइट कलर का फ्लावर आता है, पिंक कलर का आता है, पर्पल कलर का आता है, जो हमारी आइज़ को भी बहुत सूदिंग देता है, बहुत ही अट्रैक्टिव ये लगता है। और थोड़े से जो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं, तो बहुत तेज़ हवा के अंदर वो टिक नहीं पाते हैं और हवा के तेज़ हवा से ही वो फूल निकल के गिरने लग जाते हैं। आप मेरे जैसे अगर ऐसे प्लांट्स के शौकीन हैं, ऐसे फूलों वाले प्लांट्स के शौकीन हैं जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है और आराम से इजीली रोज उसमें फूल आते रहे हैं, आप उनको देख के खुश होते रहे हैं, तो आप ज़रूर इस प्लांट्स को अपने कलेक्शन में शामिल कीजिए। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है या आपके फ्रेंड्स ऐसे ही प्लांट की तलाश में हैं जिनको कि किसी भी तरीके की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है फ्लावरिंग प्लांट्स को, तो ज़रूर उनको इस बारे में, इसके प्लांट के बारे में बताइए और ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरा पेज है सेम नाम से, आप मुझसे वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी वहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।